गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस ऑफ क्लास थर्ड। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर लेसन नंबर फर्स्ट। सो नॉट फर्दर डिले, टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन लेसन नंबर फर्स्ट। योर लेसन नेम इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर लेट्स वार्म अप एक्सरसाइज। Look at the things given in the pictures. Write the name of 10 things that you see. Here you can see one picture. In this picture, different things you can see, like table, tree, swing, boys, cat. So these pictures, after watching this picture, you have to write 10 things name here. First, second, third, fourth, okay? Now, next, come on, read on. If you look at these things carefully, you will notice that things like benches and swings are made by man. Things that are made by man are called man-made things. So students, those things are made up by man, they are called man-made things. Things like birds, sun, clouds that are created by nature, called natural things. So students, those things which man cannot make. जो चीज़ें एक इंसान नहीं बना सकता उसे नेचुरल थिंग्स कहते हैं, जैसे जो क्रिएचर ने बनाई है, जो हमारी नेचर ने ऑलरेडी बनाई है, क्रिएट की है, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स। नेक्स्ट, हियर ऑल थिंग्स गिवन अब आर नॉट द सेम। सम कैन मूव व्हाइल्स अदर कैन नॉट। सम कैन ग्रो, अदर डू नॉट ग्रो। सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी बहुत सी ऐसी टेबल बेंच कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट मूव, बट बॉयज कैन ग्रो, कैन मूव। सो हेयर थिंग्स विच नीड फूड, ब्रेथ, मूव, ग्रो, फील एंड रिप्रोड्यूस आर लिविंग थिंग्स। तो जिन चीज़ों को फूड की, सांस लेने की, चलने की और ग्रो करने की ज़रूरत होती है, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको लिविंग थिंग्स कहते हैं। सेम एज नेक्स्ट, विच थिंग्स विच डू नॉट शो दीज करेक्टरिस्टिक्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। और जो ये करेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो फूड की जरूरत नहीं होती, जिन्हें ब्रीथ नहीं करती हैं, मूव नहीं करते, ग्रो नहीं करते, उनको कहते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स। सो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट मैन मेड थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। हियर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8, difference between living and non-living things. First point, living things need food. All living things need food and water to live. Plants make their own food. They use water, sunlight, carbon dioxide to make food. Animals and human beings depend on plants or other animals for food. They cannot make their own food. Food provides energy to living things. Non-living things do not need food. So students, animal needs food and water. Same as plants also make their own food themselves. So they use water, sunlight, carbon dioxide to make food. Animal and human beings depend on plants for food and other animals. They take their food for other animals. So they cannot make their own food. Animals cannot make their own food. फूड हमें क्या देता है? फूड हमें एनर्जी देता है। एंड द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। सो हियर वन डिफरेंस, यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट पेज, आई मीन नेक्स्ट हेडिंग हियर, लिविंग थिंग्स ग्रो। यू मस्ट हैव नोटिस दैट यू आर स्लोली ग्रोइंग टॉलर एंड इंक्रीजिंग इन वेट। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। अ बेबी ग्रो इनटू अ चाइल्ड एंड देन इनटू एन एडल्ट। सो लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। आपने सबने देखा होगा कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो स्लोली टॉलर होती जाते हैं और इंक्रीज हो जाते हैं वेट में। सो एज कैन सी बेबी ग्रो इनटू ए चाइल्ड देन इनटू एडल्ट। अ सीड चेंजेस हेयर, सीड चेंजेस इनटू ए सीडलिंग एंड इनटू अ प्लांट। द प्लांट्स देन ग्रो इनटू अ ट्री। ओके, सो एनिमल ऑल्सो ग्रो ऑन देयर ओन, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। थर्ड पॉइंट, Have you seen a monkey jumping on the tree or a lizard crawling on the wall? So living things move. Animal move from one place to another in search of food and shelter and to save themselves from their enemies. Animals move क्यों करते हैं? Animals move करते हैं एक place से दूसरे place
टू सर्च इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दियर एनिमीज. ओके, नाउ नेक्स्ट, डू प्लांट्स मूव? नो, प्लांट्स डू नॉट मूव, दे रिमेन फिक्स्ड टू सॉइल. हाउ एवर, पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स शो सम स्पेशल मूवमेंट. स्टिल सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो स्पेशल मूवमेंट. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, हेयर कैन सी पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट एंड ईट देम. बेटा एक टाइप का प्लांट होता है पिचर प्लांट, इंसेक्टिवर्स प्लांट होता है, ये इंसेक्ट्स पे फीड करता है. ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये पिचर प्लांट की पिक्चर है. तो जब भी यहाँ कोई इंसेक्ट आके बैठता है, इसका ये ऊपर का कैप, इसको ऑपरकुलम कहते हैं, ये जो लीफलेट होती है बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट होता है इसके गट में चला जाता है, इसे डाइजेस्ट कर लेता है. दिस इज द मूवमेंट विच इज शोन बाय द पिचर प्लांट. नेक्स्ट इज सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स इट्स फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द सन. सो हमेशा सनफ्लावर देखना, आप जहाँ भी सन होगा वहीं अपने फेस की डायरेक्शन कर लेता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, हियर नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन दियर ओन, दे मूव ओनली व्हेन वी मेक देम मूव. नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करती हैं, इफ़ वो तब मूव करती हैं जब हम उन्हें मूव कर जाते हैं. जैसे कि चेयर है, चेयर नॉन लिविंग है, वो जहाँ है वो वही रहेगी, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव नहीं करेगी. ओके, नाउ कम ऑन फोर्थ पॉइंट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मतलब सांस लेना. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. दे ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. सो स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग थिंग्स मीन्स एनिमल एंड प्लांट्स बोथ आर लिविंग थिंग्स. एनिमल टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. बट अपोजिट, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं. सो दे ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, हमारे तो ब्रीथिंग ऑर्गन है, हम नोज से करते हैं, लंग्स यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए. बट प्लांट्स में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. ओके, नाउ कम ऑन फिफ्थ पॉइंट, हेयर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फोर्थ पॉइंट, वी ब्रीथ आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. A human being and animals like cow, horse and lion breathe through their lungs. Fish breathe through gills. Insects breathe through the air holes called spiracles. Here are the breathing organ. You can see human being breathe through lungs, fishes breathe through gills, and insects breathe through spiracles. Okay, keep in mind. Non-living things do not breathe. जो non-living things हैं वो breathe नहीं कर सकते. Chair breathe कर सकती है? No. टेबल नो, फैन नो. सो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, लिविंग थिंग्स फील. लिविंग थिंग्स कैन फील, दे रिस्पॉन्ड टू दियर सराउंडिंग्स. वॉट हैपन्स वेन यू टच हॉट ऑब्जेक्ट, क्या होता है जब आप हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं. अगर आपको गर्म चाय वाला कोई कप दे दें तो क्या करेंगे आप, यू टेक अवे योर हैंड इमिडिएटली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. अगर आप गर्म कप छूते हैं तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं, हैंड्स इमिडिएटली मूव करते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. दिस इज़ बिकॉज यू कैन फील एंड द हीट, क्योंकि आप हीट फील कर पा रहे हैं. सेम इज प्लांट्स कैन ऑल्सो फील. हाउ एवर, यू हैव सीन अ टच मी नॉट प्लांट, हैव यू सीन स्टूडेंट्स, छुई मुई का पेड़, अगर आप उसको छूते हैं सो क्या होता है, उसकी लीव्स एकदम क्लोज हो जाती हैं. सो टच मी नॉट का प्लांट भी फील करता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. ओके, कम ऑन नेक्स्ट पेज, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, हेयर लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. अ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ सीड, सीड ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूस ओनली दैट काइंड ऑफ प्लांट. अ हैन लेज एग्स आउट ऑफ विच ओनली चिक कैन हैच. अ कैट गिव्स बर्थ टू किटन्स ओनली ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज. सो अ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड, प्लांट कहाँ ग्रो करता है, सीड में. सेम है, सीड प्लांट में ग्रो करता है. एंड अ हैन लेज एग आउट ऑफ विच चिक्स कैन हैच. सेम है, कैट गिव बर्थ टू किटन, ह्यूमन गिव्स बर्थ टू बेबीज. डज अ चेयर प्रोड्यूस मोर चेयर ऑफ टाइप्स, नो. सो नो इट डज नॉट. द वे इन विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस दियर ओन काइंड, सो द इट इज़ अ वे टू प्रोड्यूस दियर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन.
नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ओके, नाउ हेयर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिफरेंस, कैन मूव कैन नॉट मूव दियर. हेयर लिविंग थिंग्स कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन दियर ओन. नीड फूड डू नॉट नीड फूड, ग्रो डू नॉट ग्रो, ब्रीथ डू नॉट ब्रीथ, फील एंड चेंज अराउंड देम डू नॉट फील, रिप्रोड्यूस डू नॉट रिप्रोड्यूस. ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स इवन दो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग्स. प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन टू वेज. नंबर वन, प्लांट्स कैन मेक दियर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट. सेकेंड, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बट एनिमल नहीं बनाते. प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते बट एनिमल कैन मूव. सो बी सेंसिटिव, वी सेंसिटिव टू प्लांट्स एंड एनिमल्स इवन दो दे कैन नॉट एक्सप्रेस दियर फीलिंग लाइक ह्यूमंस एंड टू दे टू कैन फील. इट डजेंट मीन स्टूडेंट्स कि अगर प्लांट और एनिमल्स आपसे कुछ कह नहीं पा रहे तो वो फील नहीं करते. उनको भी हर्ट होता है और वो भी फील करते हैं. सो थिंक बिफोर यू प्लक अ लीफ और अ फ्लावर. अगर आप कोई फ्लावर या लीफ तोड़ते हैं तो उससे पहले सोच लें कि उनको भी फील होता है. डू नॉट स्टेप ऑन योर लव प्लांट्स, डू नॉट टीज और हिट एनिमल्स, बी सेंसिटिव टू वर्ड्स और लिविंग थिंग्स. सो आपको सेंसिटिव होना चाहिए, यू शुड थिंक अबाउट देम. आपको उनके बारे में सोचना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज ओवर. आई होप यू ऑल गेट इट. It is sufficient for today. In my next video, I will give you exercises and question answer of this chapter. So for today's homework, you have to read this chapter again. Okay? Thank you. Have a nice day. Take care.